शिवम स्टूडियो प्रेजेंट्स सतगुरु आवत देखिया जम बिछवा फूलन की बरसा बगीर मर रही चमेली साखीरो बहुत गहरो अर्थ है। सतगुरु अनि साखी ने समझ ले उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। अनि साखी ने अपने मेवाड़ रा संता समझी अमरावा भगत हरि का संता। सतगुरु आवत देखे यानी कोई संत आवे बनी भक्त बनाने देख और दी जाजम बिछवाए। जाजम का नाम क्यों लिया साहिब कबीर ने? क्योंकि ये जो जाजम है ना, इस जाजम पे कोई पैर दे रहा है, कोई जूते सहित फिर रहा है, तो भी इस जाजम ने कितना सहन किया। ऐसा अगर अपन सहन कर लेंगे तो महापुरुष अपने को शब्द की वर्षा बरसा के पूर्ण भर देंगे, और इसको पूर्ण भर देंगे तो मानव जीवन को तर देंगे। मानव जीवन तर जाएगा तो फिर 84 का चक्कर मिट जाएगा। बहुत ही सुंदर। अरे सतगुरु आया पामना ये परमेश्वर आया पामना सतगुरु आया पामना परमेश्वर आया पामना सतगुरु आया पामना रे हो ये परमेश्वर आया पामना सतगुरु आया आज रे आनंद भयो मारे सतगुरु आया पामना सतगुरु आया पामना परमेश्वर आया पामना सतगुरु आया पामना रे ओ हे मारा परमेश्वर आया पामना आज रे आनंद भयो सुंदर।
भाई मीराबाई विनती कर रही है अपने गुरुदेव के लिए कि मेरे गुरुदेव आया पामना, सतगुरु आया पामना, परमेश्वर आया पामना, आज आनंद भयो। और मीराबाई कई कहवे, अरे हिंगलू पायारो में तो ढालू रे डोलियो रेशम रावी चावना, हिंगलू पायारो ढालू डोलियो अरे रेशम रावी चावना, जिन पे राजा राम जी विराजे, जिन पे राजा मारा राम जी विराजे, पंछीड़ा ढोला बना, जिन पे राजा राम विराजे, पंखीड़ा ढोला बना, सतगुरु आया पामना, परमेश्वर आया पामना, सतगुरु आया पामना रे हो। ये परमेश्वर आया पामना, आज रे आनंद भयो मार, सतगुरु आया चावल बनाऊ उजला ने ऊपर गिरत काला बना, चावल बनाऊ उजला ने अरे ऊपर गिरत काला बना, फिर खांडरा इमृत भोजन, फिर खांडरा इमृत भोजन, संतों ने धीमा बना, सतगुरु आया पामना, परमेश्वर आया पामना, सतगुरु आया पामना रे, हे परमेश्वर आया पामना, आज रे आनंद भयो मार, जिन गुरु आया पामना।
सतगुरु आया बामना परमेश्वर आया बामना सतगुरु आया बामना रे ये परमेश्वर आया बामना आज रे आनंद पयो मर दाता आया अड़सठ तीरथ गुरु के चरण में गंगा जी में ना बना अड़सठ तीरथ गुरु के चरण में अरे गंगा जी में ना बना अड़सठ तीरथ गुरु चरण में गंगा जी में ना बना अरे भाई मीरा ने मोहन मिल गया हरि चरणा गुण गावरा हे भाई मीरा ने मोहन मिल गया हरि के चरण